हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को एक दो इंडिकेटर्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा, मतलब अच्छा साबित हुआ है। तो उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने में। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियली, सही कि अगर आपको एक्सपोनेंशियली अगर ग्रो करता है तो क्या उसके इंडिकेटर्स होगी, या इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगेन वही बात कि सिर्फ प्रिडिक्शन ही हो सकती है। मैं यहाँ से पहले इसको काट दूँ, प्रिडिक्शन ही आप कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि हाँ अगर ये सिचुएशन बनी तो लाजमी बात है कि यही होगा। नो, आप ये नहीं कह सकते। हाँ, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन बनी तो शायद ये चीज़ हो जाए। सही, तो उस चीज़ के बारे में सबसे पहले आपने इंडिकेटर्स में, टेक्निकल इंडिकेटर में आना होगा। काम क्यों नहीं कर रहा? ये काम क्यों नहीं कर रहा? लेट्स सी। चल इस तरह कर लेते हैं कि इसको मैं जरा चले इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, 1 मिनट। सोर को ले देते हैं। सही है, सोर को, या चले सोर को नहीं, XRP को दे देते हैं। XRP को देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे चले जाते हैं, इंडिकेटर पे आ जाइए। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपने इसको सेलेक्ट करना होगा। एक को सेलेक्ट कर लिया आपने, इसको इसमें से आपने 2 बार सेलेक्ट करना होगा। मतलब एक बार सेलेक्ट करने से एक ही ग्राफ आपको दे देता है, लेकिन दूसरी बार आप सेलेक्ट करते हो तो दूसरा लाइन आपको देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ, ये जो कलर है। चले इसको मैं चले इसमें आपने सेटिंग में आना होगा, लेंथ आपने इसका जो सेट करना होगा वो आपने 20 करना होगा। सही है, और सेम इस तरह स्टाइल भी आपने बताना होगा। ये मैं इसको थोड़ा और सेम आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर मैं रख लेता हूँ येलो। सही हो गया। फिर आपने ये एक लाइन आप लोगों के साथ बन गई, ये जो येलो लाइन है। अब दोबारा आपने यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे आपने सर्च करना होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। सही है, इस पे आपने क्लिक किया तो दूसरा लाइन आपके साथ ही जो ये वाला बन गया। तो इसको भी आपने सेटिंग में जाना होगा। आपने इसके इनपुट्स में आपने अगर पहले का आपने 20 दिया होगा तो आपने इसका जो है वो 200 आपने देना होगा। सही है, फिर आप स्टाइल में जाएंगे तो सेम सिचुएशन स्टाइल में आप इसका लाइन थोड़ा वो कर ले, और इसका जो कलर है इसको मैं रेड कर लेता हूँ, क्योंकि जब इसको टच करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट गिरने वाली है। तो मार्केट गिरने वाली है तो मतलब एक ऐसी डरने की हालात होती है ना, तो जिसको इंडिकेटर्स हम कलर इसको रेड कर लेते हैं। सही है, ओके कर लिया। आप देखिए ये आपके पास 2 लाइन बन गए। अब जब आप इसको थोड़ा मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, तब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये सब कुछ नजर आएगा कि आपने एंट्री किस जगह पे देनी होगी, आपको आपको किस टाइम आप मार्केट से निकलना होगा। अच्छा, इसका जो आप अगर इसका ग्राफ आप कंपेयर करेंगे तो आप कितने टाइम फ्रेम के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। आप 15 और 1 आवर्स के लिए ये बहुत बेस्ट है। अगर आप ये सेटिंग इस्तेमाल करते हैं 20 और 200 की जो वो है, तो ये 15 और 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सही, तो इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब आपने यहाँ से थोड़ा बहुत सीखना होगा कि अगर मार्केट किस तरफ जा रही है तो क्या हमने करना होगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा इसका वो बता देता हूँ कि देखिए, अच्छा इसमें एक एक चीज़ का आपने मैंने एक भी एक 1 आवर का इसका ग्राफ खोला हुआ है। देखिए सही, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज का आपने इसमें ख्याल रखना होगा कि अगर मार्केट मार्केट जब भी जो आपने जो ग्राफ सेट किया हुआ है या आपने जो इंडिकेटर सेट की हुई है, जो आपने लाइंस 20 और 200 के टाइम फ्रेम में आपने जो सेटिंग की हुई है, अगर वो उसको आप उसके दरमियान फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ रही है किसी हाल डोमेन में, तो आपने उस टाइम एंट्री नहीं लेनी होगी। आप उस टाइम ये नहीं इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या होगी, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये इंडिकेशन बहुत ही मुश्किल होगी।
हाँ आप इस तरह कर सकते हैं कि जब ये एक्सपोनेंशियली अपना आपको टच करते हैं, मतलब दो ग्राफ अपने आप को इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे एंगल से कि आपको पता चले कि ये एंगल अगर एक दूसरे को टच अगेन करेगा, अगर अगेन वही बात आ जाती है कि अगर अभी इसने एक्सपोनेंशियली एक दूसरे को 45 एंगल से टच किया, तो अगर ये दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ टच करेगा तो अगेन ये टाइम लेगा। और मार्केट में ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं जिसकी वजह से ये इतनी अचानक एक दूसरे को अगेन टच करे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, सिल्वर कलर, ये आपने अगर देखे येलो एंड दिस इज येलो, ओके दिस इज ओके सही है। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये येलो थोड़ा इसको मैं रख लेता हूँ ब्लैक, ब्लैक तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। चले इसको आप कोई भी कलर आप रख ले बस, लेकिन आपको नजर आना चाहिए। सही है, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। चले ये वाला सही हो गया, ओके हो गया। अब ये दो लाइन है, देखिए आपने इस चीज पे फोकस करना होगा कि आप इसके थोड़ा, मैं एक मिनट, आपने थोड़ा वेट करना होगा। सही है, ओके लाइन, ओके ओके सही है। अच्छा अब देखिए मार्केट यहाँ पे, देखिए अगर इस जगह को आप देख लें, इस जगह पे अगर आप फोकस करें, तो देखिए दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो हुई है किस किस एंगल से। अब देखिए ना, ये येलो की लाइन को आप देख लें, रेड की लाइन को देख लें। देखिए जब रेड लाइन को येलो लाइन क्रॉस कर दें, लेकिन कैसे एंगल पे कि वो 45 50, अब इस तरह के एंगल्स को अगर अब देखे ना, अगर ये येलो लाइन, ये जो मैं जिसमें मेरा जो उंगली है, ये अगर इसी तरह 90 को क्रॉस कर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट किस सिचुएशन की तरफ जा रही है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही पम्प करेगी, मतलब मार्केट अगेन अपनी 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 जो स्पोर्ट है उसको टच करेगी, जो 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 आखिरी हद है उस तक जाएगी। मतलब इससे पहले डिपेंड करता है एंगल पे, अगेन वही बात कि जिस तरह ये एंगल, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को ये देखिए, यहाँ पे आपने एंट्री लेनी होगी, सही है, सेम या इस जगह पे जिस तरह जिस जगह पे ये टच करता है, अब देखिए ना सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर आप देख लें तो इंटरसेक्ट करता है, लेकिन जो अब मार्केट को देखे ना, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आए तो रेड को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आपने यहाँ पे एंट्री जैसे ही देखे ना, अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल एंट्री ले ली, अब ऊपर मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, देखिए कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पे अपने प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ लोग वेट करते हैं। अब जब आप येलो लाइन को देखते हो तो अच्छा देखे ना, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ वो आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपने इस चीज को थोड़ा फोकस करना होगा कि जैसे ही आपको पता चले कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो आपने अपनी प्रॉफिट निकालनी होगी। सही है, अब जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, देख रहे हो आप आ रहे हो, और तो यहाँ पे अगेन अगेन यहाँ पे आपने, यहाँ तक तो आपने अपने प्रॉफिट को निकाला होगा, सही है। अब यहाँ पे आपने वेट करना होगा, तो मार्केट और नीचे की तरफ आई, जैसे ही और नीचे, अब देखे ना अगर रेड और येलो दोनों साथ में नीचे आ रही है, ये जरा गौर से सुनिए बात, अगर रेड और येलो दोनों साथ नीचे की तरफ आ रही है तो आपने एंट्री नहीं लेनी होगी। जैसे कि अब यहाँ देखें, येलो भी नीचे की तरफ है और रेड भी नीचे की तरफ, दोनों नीचे की तरफ है, तो आपने एंट्री नहीं लेनी होगी। हाँ अगर आपको ये इंडिकेटर मिलता है, आपको ये नजर आ रहा है कि रेड अपनी किसी खास डोमेन में जा रहा है या किसी कांस्टेंट वेव में जा रहा है, लेकिन येलो जब उसको इंटरसेक्ट करता है वो बिल्कुल अपोजिट है, मतलब येलो में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन रेड किसी कांस्टेंट वेव में जा रहा है, तो तब आपने अपने येलो को इंडिकेटर, येलो को देखना होगा कि यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखे ना, इंटरसेक्ट कर दिया, रेड वही जा रहा है, लेकिन येलो को आप देख ले, येलो नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये जो इसका सेंटर है, अब यहाँ पे आपको ये भी थोड़ा थोड़ा ग्राफ से आपने 2 मिनट आगे देखना होगा कि फॉर एग्जाम्पल ग्राफ की सिचुएशन इस तरह है कि अगर उसका जो 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 स्टार जो 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 सेंटर है, सेंटर पे फॉर एग्जांपल यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ पे आ गया, तो आपने अपने येलो को देखना होगा कि ग्राफ की नेक्स्ट जो मूव होगी वो किस साइड पे होगी, वो लाइन से आपको नजर आ जाएगा, मतलब बहुत ही आसानी के साथ। सही है, अब यहाँ पे आप ले सकते हो क्योंकि रेड किसी कांस्टेंट वेव में जा रहा है, लेकिन येलो ने उसको क्रॉस किया और बहुत नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजिशन ले सकते हो। अब देखिए मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा रही है, इंटरसेक्ट किया, अगेन मैंने यहाँ पे आपको कहा
कि एंगल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे रेड और येलो की जो क्रॉस हो रही है, आप इसको जरा गौर से देखिए, एंगल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एंगल कितना था, यहाँ पे यहाँ पे मेरे ख्याल से 25 यही होगा, यहाँ पे 45 प्लस था, तो यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉफिट आपको मिल रहा है, अब यहाँ पे आपको कितना कम प्रॉफिट मिल रहा होगा, सही है। तो सेम सिचुएशन, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्लक्चुएशन शो हो रही है, मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है, तो आपने मार्केट में ना इन होना है ना आउट होना है, आपने वेट करना होगा। हाँ, आप आउट हो सकते हैं लेकिन आप इन नहीं हो सकते, सही हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अब अगेन मार्केट नीचे की तरफ, अब रेड और येलो दोनों नीचे की तरफ आ रही है। अब देखिए ना मार्केट की सिचुएशन देख ले, अगेन नीचे की तरफ आ रही है, रेड भी नीचे की तरफ, येलो भी नीचे की तरफ। अब जब ये अपने आप को सीधा करे, रेड अपने आप को किसी कांस्टेंट वे में चले जाए, तो और येलो येलो अगेन ऊपर की तरफ आएगा, तो जैसे ये आपको पता चले कि ये येलो, ये जो रेड है, मैं अगर यहाँ पे लाइन ड्रा कर सकूँ, ये जो रेड है, ये फॉर एग्जाम्पल, ये जो रेड है ये यहाँ से इस साइड पे हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जाते हुए यहाँ पे हो गया, सही है। तो आपने ये देखे, अब ये अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस साइड पे हो गया, सही हो गया, और ये लो अगेन अगर ये कांस्टेंट वेव में जाएगा, तो फिर ये जो आपके पास जो येलो है, ये भी ऑटोमेटिकली अपने आप को इसी तरह ऊपर की तरफ लेके जाएगा, इस तरह आएगा, फिर इसका कलर भी चेंज कर, तो ये भी ऑटोमेटिकली फिर ऊपर ही की तरफ जाएगा, सही है। तो आपने इस चीज पे फोकस करना होगा, ये अगेन इस तरह जाएगा, इसी तरह जाएगा, और रेड जो होगा वो अपने कांस्टेंट वेव में या तो ऊपर की तरफ जाएगा या अपने कांस्टेंट वे में जाएगा। तो अब देखे ना, अब जब ये यहाँ पे आएगा, तो ये एक दूसरे को अगेन वही बात इंटरसेक्ट करेगा, रेड और येलो इंटरसेक्ट करेगा। अब जब ये इंटरसेक्ट करता करेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह इंटरसेक्ट करता है, तो क्या मतलब हुआ कि इंडिकेटर कमजोर है, शायद अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। हाँ, अगर वो इस तरह की इंटरसेक्शन, जितना एंगल बढ़ेगा इंटरसेक्शन में, उतना ही आपका प्रॉफिट जो होगा वो हाई होगा, आप ये कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, सही है। अब आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, अब आप ये कह सकते हो कि मेरी एंट्री जो लाइन होगी, अब देखे ना ये, एक मिनट सॉरी, ये मेरी एंट्री लाइन है, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, लाइन में जरा ड्रा करूँ इसको, मैं कलर में थोड़ा सेट कर दूँ, ऐसा मैंने ये वाला कलर कर, ओके ओके, ये देखे क्या हो गया यार, तो ये बड़ा मसला है, सही हो गया ये। अब देखना, अब आपको ये एक इंडिकेटर मिल रहा है कि ये जो आप यहाँ पे जो, लेकिन ये आपका इंडिकेटर, यहाँ पे आप इंडिकेटर ले सकते हो, लेकिन अगेन वही चीज आ जाती है कि अगर आपको पता हो कि मार्केट रेड की जो लाइन है वो अगेन सीधी की तरफ जा रही है, तो देन आप ले सकते हैं। अगर अगर मार्केट सेम इस तरह रेड भी नीचे जा रहा है, येलो भी नीचे जा रहा है, तो तब आपको नहीं लेनी होगी। हाँ, अगर आपको अभी आप अगर आपको एक कांस्टेंट वेव के साथ देखोगे, अगर आप बैठ के, तो आपको खुद नजर आएगा कि रेड की क्या सिचुएशन होगी और येलो की क्या सिचुएशन है। आपने उसके लिए बैठ करना होगा, थोड़ा देखना होगा, हर 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट के बाद आपने देखना होगा कि मार्केट की जो जो लाइन है जो मैंने ड्रा की है वो किस साइड पे जाए। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, इसको जरूर इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। मैं इसे मुस्तफीद हो चुका हूँ, मैं फायदा हासिल कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ सजेस्ट कर रहा हूँ, तो इस चीज का भी आपने फोकस करना होगा। ये मेरा सेकंड अकाउंट है जिसपे मतलब इतना खास फंड तो है नहीं, लेकिन फिर भी है, तो इसमें मैं अभी मैंने खोला है, तो मैं कुछ मैंने बाई की, फॉर एग्जाम्पल एडीए मैंने बाई की थी, एक्सआरपी भी मेरे पास थी, सोल भी मेरे ख्याल से मेरे पास थी, तो उस चीजों को देखते हुए अभी मुझे याद आया कि यार मुझे इसको यहाँ पे सेल आउट, जिस तरह एक्सआरपी को अगर मैं देखूँ, तो मुझे मार्केट से यहाँ पे निकलना चाहिए था। सेम अगर मैं यहाँ पे नहीं निकल सकता, तो मुझे निकलना चाहिए था फिर यहाँ पे निकलना चाहिए था, ये भी अच्छी जगह थी कि मैं निकल सकूँ, लेकिन स्टिल मैंने अभी तक छोड़ दी हुई थी, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। जब एंट्री की टाइम है, तो मुझे जब निकलने की, जब अभी जो टाइम है एंट्री के, तो मैं अब निकल नहीं सकता, तो मैंने इसको होल्ड किया कि चलो शुरुआत कर लेते, देख लेते हैं कि क्या मामला है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें, और मैं साथ में ये जितने भी इंडिकेटर्स है, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मैं एक एक को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी बेस्ट वे दूंगा और आप लोगों को समझा सकूं। अगर आपको किसी भी इंडिकेटर के बारे में या कोई क्वेश्चन हो, तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं अपने लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक आप लोगों को जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।